नमस्कार दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच तीसरे वनडे में भारत पर मंडराया हार का खतरा। आखिरी वनडे में भारतीय टीम 225 के स्कोर पर सिमटी। श्रीलंका को जीत के लिए मिला 226 रन का लक्ष्य। 23वें ओवर में बारिश की वजह से मैच को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा, जिसकी वजह से मैच को 47-47 ओवर का कर दिया गया। श्रीलंका टीम में 3 बदलाव हुए तो वहीं भारतीय टीम में 6 बदलाव किए गए। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 43.1 ओवर में 225 पर ऑल आउट हो गई। जवाब में उत्तरी श्रीलंका की टीम की ओपनिंग शुरुआत भी खास नहीं रही, लेकिन फिर भी भारत इस मैच को जीतने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा है। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन पृथ्वी शाह ने 49, संजू सैमसंग ने 46 तो सूर्य कुमार यादव ने 40 रनों का योगदान दिया। वहीं श्रीलंका की तरफ से धनंजय और प्रवीण जयविक्रमा ने 3-3 विकेट चटके। भारत का कोई भी बल्लेबाज आखिरी वनडे मुकाबले में अर्धशतक नहीं बना पाया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की बी टीम यह मुकाबला जीत पाएगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।